वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा। वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा। देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा। देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा। जिसे तिरंगा लगे पराया मेरा देश छोड़ जाए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के ही रहना होगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के ही रहना होगा। जी हाँ, अब वक्त है देशभक्ति दिखाने का। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है ट्राई कलर फेस पेंटिंग का। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन, मैं पूर्वी जैन आपका स्वागत करते हैं मम्मी के चैनल आरती क्रिएटिव वर्ल्ड में। ट्राई कलर फेस पेंटिंग का वीडियो लाने का मेरा एक ही मकसद था कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी अपने फेस पर एक छोटा सा ही सही एक तिरंगा लगाएं और उसे अपने स्टेटस पे लगाएं, जिससे हम सभी एक ही तिरंगे के रंग में रंग जाएं, जिससे हम सभी एक ही तिरंगे के रंग में रंग जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इजी फेस पेंटिंग लेकर आई हूँ, जिसमें से कुछ टेक्निक्स मैं बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ। फेस पेंटिंग के लिए आप कैम्ब्लिन या फैब्रिकल के फैब्रिक कलर्स का यूज कर सकते हैं। हमें कुछ फ्लैट एवं राउंड ब्रशेस चाहिए, जिसे आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ फैब्रिक कलर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते और साथ ही साथ पानी लगने से फैलते नहीं है, जबकि वाटर कलर या पोस्टर कलर पानी से फैलकर आपकी डिजाइन को खराब कर सकते हैं। यहाँ मैं छोटी छोटी टेक्निक्स बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे हम सिंपल तरीके से भी फेस पेंटिंग कर सकते हैं, और साथ ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कलर की मिक्सिंग कैसे कर रही हूँ, ब्रश में कलर कैसे ले रही हूँ और ब्रश को कैसे घुमाव देकर चला रही हूँ। फ्लैक्स के बीच में चक्र आगे मैं तो फ्री हैंड ही बना रही हूँ, बट आप किसी भी गोल कैप का यूज कर सकते हैं, और चक्र के बीच की लाइन बनाने के लिए चक्र के साइज की कार्ड शीट की कटिंग करके लाइंस बना सकते हैं इस तरह से। थोड़ा स्टाइलिश लुक देने के लिए आप ग्लिटर्स या स्टोन का यूज भी कर सकते हैं। आप थोड़ा केयरफुली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ब्रश कैसे चला रही हूँ। प्लीज आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
दोस्तों मैं तो तिरंगे के रंग में रंग गई। अगर आप भी तिरंगे के रंग में रंगी हो तो अपनी पिक्स मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।